अभी अंदर लेके चलते हैं मोबाइल को, अभी अंदर के हल लेते हैं। क्या अभी अंदर दो ले रखे हैं, माशाल्लाह शुक्रिया अल्लाह का, अल्लाह इनमें से बच्चे निकाले। मैं बिल्कुल ख़राब हो गया अंडा ये। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू न्यू एंटर ब्लॉग। यार आज का ब्लॉग बहुत सुपर के मज़ा नहीं आना बनाने में, लेकिन क्या करें, आपको दिखाऊँ यार हमारी मदी ने ये नया नया जोड़ा आप लोगों को मैंने दिखाया था, माशाल्लाह इसने अंडा दिया है यार। पता नहीं इसने अंडा किसे नीचे फेंक दिया, मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं खोलता हूँ इसको और ये देखो यार, इसने अंडा फेंक दिया है माशाल्लाह। भी नया फेर बना था हमारा यार, ये चेक करो यार, आपको अंदर लेके जाके देखो, इसने अंडा नया नया फेंक दिया। ये अंदर कुछ है जो देखो माशाल्लाह, ये अंदर अंदर है, ये छेड़ है, ये छेड़ है। मैं अंदर आपको लाइट खोल के दिखाता हूँ वीडियो। अभी अंदर लेके चलते हैं मोबाइल को, अभी अंदर के हल लेते हैं। क्या अभी अंदर दो अंडे रखे हुए हैं, माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह इनमें से बच्चे निकाले। मैं इन अंडों को साफ कर दूंगा, इनमें लगी पड़ी है बीटें, ठीक है। अभी इस अंडे को बाहर निकालते हैं, चेक करो यार, बिल्कुल ख़राब हो गया अंडा ये। माशाल्लाह इन्होंने अंदर अभी दो अंडे के रखे हुए हैं, अल्लाह करे उनमें से बच्चे निकल जाए, क्योंकि ये हमारा नया नया माशाल्लाह पैर बनाया है, शुक्र है अल्लाह का, हमने इसको नया नया पैर बनवाया। लेकिन ये दोनों नर मादी हंडी में जाने से लड़ते हैं, एक साथ नहीं जाते हैं लेकिन एक एक करके चले जाते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इन्होंने नए नए अंडे दिए हैं, ये नई मादी हमारी तैयार हुई थी तो हमने इसको इस नर के साथ जोड़ दिया था, ठीक है। अभी इसने तीन अंडे दिए आपके सामने, ठीक है, एक अंडा इसने फेंक दिया, अभी दो अंडे रखे हुए, अल्लाह करे इनमें से बच्चे बच्चे निकल जाए, शुक्र है। ये दो बच्चे में दुआ करना है, कमेंट में आमीन जरूर लिखना कि बच्चे निकल जाए। और तो फिर अभी मैं कर रहा था काम, ये देख लो सारी डबियाँ सबियाँ निकल गई, अभी इनकी सफाई होगी सारे दाने की, ठीक है, एक दिन के बाद एक दिन में सफाई कर देते हैं, ठीक है। और अभी ये मैंने सारी डबियाँ यहाँ रख दी है, अभी मैं इनकी ना डबियाँ जो पानी से निकालता हूँ मैं उनको धोता जरूर हूँ, ये देखो डबियाँ, अभी इनको रगड़ के धोया जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं धोता हूँ, हाथ मार के इनको रगड़ के धोया जाएगा। कभी दो तीन हफ्ते बाद इनको सरस से भी धो लिया करते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह ये चेक कर सकते हो आप सेटअप, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में माशाल्लाह जरूर बोलना। भी आपको दिखाएंगे जो स्कीम चले गए, ठीक है, अल्लाह को ये इनमें दो अंडों में बच्चे निकाले और इन दो अंडों को मैं साफ कर दूँ, ठीक है। सारी डबिया शबिया निकाल दी है पानी की, धो धो के आपने देख लेना वीडियो में मैंने कैसे धोई है रगड़ के, और धूप में रख दी था कि इनके जो भी जरासीम होंगे वो मर जाएंगे, जरासीम मर जाएंगे तो परिंदे फिर अच्छे से पानी वानी पिए गए, ब्रीडिंग करेंगे, उनके पीछे करेंगे, ठीक हो। अभी मैं इनकी सारी सफाई और करूँगा कंटिन्यू, अभी दाना वाना साफ़ करना है, इनकी ट्रे शरें निकलेगी सारी साफ होती है, जब भी तो माशाल्लाह ये अंडे बच्चे होते हैं, जब भी खुश, जितनी मैं बोल रहा हूँ इनकी सफाई रखोगे ना उतना ही खुश हो गए परिंदे, ऐसी फील है। आप इनकी सफाई रखो, उनका दाना पानी अच्छा रखो, तो ये आपको उनके बच्चे करेंगे घर में इंशाल्लाह, क्योंकि अगर आपके घर में अंदर बच्चे निकल रहे हैं तो आप उनसे कहा सकते हो, इंशाल्लाह आप उनके लिए ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे वो। माशाल्लाह ये हम लोग और भी चीज़ें खिलाते हैं बड़ी, ठीक है, ये चीज़ आपको बता देगी, ठीक है। जब हमने जिन अंकल से लिए थे फार्म से तोते, उन्होंने हमें बताया था, पैसे की बात बोलूँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह यार अल्लाह से दुआ करना, ये जोड़ा बच्चे ज़रूर निकाले, इंशाल्लाह जब जल्द निकालेगा, और इंशाल्लाह वीडियो को जो भी होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। Thank you.
सारी सफाई कंप्लीट कर चुका हूँ। देखो बड़ा साफ सुथरा हो गया है माहौल, ठीक है। ये चेक करो और माशाल्लाह आपको एक माजी दिखाता हूँ, अभी भी नहा धो के गई है, इसके अंदर नहाई हो, देखो कैसे नहाई हुई है माशाल्लाह, खुश हो गए, ठंडा ठंडा पानी मिला ना इनको, सारे खुश हो गए, नहा धो के माशाल्लाह सब। देख लो वो मादी भी माशा शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जाके बैठ चुकी है। अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह बच्चे ज़रूर निकलेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़्ज़। और अभी आप लोग दिखाते रहेंगे तो से चलते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा गाइज मैंने उस मादी का भी अंडा बाहर निकाला है चेक करने के लिए, इसमें मतलब बच्चा बना ही नहीं बना, अभी मैं चेक करके आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। मैंने उसको पहले साफ किया है अच्छे तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चा बना ही नहीं बना इंशाल्लाह, मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। अच्छा यार मैंने चेक किया है कि अगर बच्चा बन रहा है कि जीव जो है इंशाल्लाह बन जाएगा, अल्लाह ताला जो भी है इंशाल्लाह निकलेगा बच्चा, अभी मैं दूसरा अंडा चेक करके आपको बताऊँगा। अच्छा यार मैंने इसका दूसरा अंडा भी चेक कर लिया, लेकिन यार उसमें भी मेरे को कंडीशन सेम वही लगी है, इसलिए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह यार जो से बच्चे जरूर निकले, आप लोग भी यार उसके लिए दुआ जरूर करना कि इनमें से बच्चे निकले। यार मेरा न्यू न्यू पेयर है और माशाल्लाह बड़े प्यारे खूबसूरत बच्चे निकालेगा इंशाल्लाह, जरूर निकालेगा, ठीक है। मेरे हाथ के अंदर चार पाँच दिन से हो रहा है दर्द इस हाथ में, पता नहीं, तो घर वालों ने बोला ये आपके हाथ के अंदर आ गया है काना, हम लोग तो काना बोलते हैं अपनी जबान के अंदर, पता नहीं क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इस हाथ में अगर आप डोरी बनवा लोगे ना जिसके नाना नानी जिंदा हो उससे, तो ये आपका चला जाएगा, बहुत दिन हो गए दर्द जा ही रहा है, 10-12 दिन हो गए इस हाथ में झटका सा आया हुआ, ठीक है। अभी तो ये रोलू आया है भुरल, इससे मैं बनवाऊंगा डोरी, इसके नाना नानी दोनों जिंदा है। अब इसने एक बात बोलते हुए बांधनी है, भाई बात सुन, तूने ये डोरी पकड़, अब तूने बोल ये बोलते हुए बांधना है, जिए मेरे नाना नानी बोल, जाए तेरा खाना खानी, ये बोलते बोलते बांध, बोलते बोलते बांध, बोल बोल, अरे यार बोलना है तेज बोलना है यार, मजाक समझ जाए, तेज बोल तेज, अरे टाइट तो मानी खुल जाएगी, नीचे कर थोड़ी, नीचे कर दे, नीचे कर थोड़ी सी, नहीं खुलेगी टाइट है पक्का, भाई से डोरी बनवा ली है इसने, बोला जी है मेरे नाना नानी जाए तेरा खाना खानी, ये भाई पुराना उसका पुराने लोगों का, उन्होंने बोला ऐसे बांधो ये ठीक हो जाएगा, बहुत दिन हो गए यार दर्द हो रहा था सही हो ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने ऐसे से झटका भी किया लेकिन नहीं सही हुआ, फिर मैंने डोरी बंधवाई दी बुरल से, हाँ तेरे नाना नानी दोनों जिंदा है ना, सही बता, नाना भी है नानी भी है पक्का, किसी के भी दर्द हुआ बांध देगा, कोई भी तेरे को बुलाए भले कहीं और शेर जाके बांध के आ जाएगा, मतलब सही बांधी है ना डोरी तूने, बोला मेरे नाना का एक पाँव कब्रिस्तान में एक बाहर है, और नानी का दोनों पाँव कब्रिस्तान में, दोनों पाँव बाहर है। अच्छा जी अरे रात को मैं और इमर भाई पानी लेने जा रहे थे, आपको पता घर के काम भी है, फिर भाई पानी वानी लेके आया था यार, आंखों में रोशनी पड़ी होगी, लाल हो रही होगी आंखें, बस यार मैं पानी वानी लेके आया हूँ, थक गया हूँ अभी, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लो बाइक चढ़ाए आ जाओ, बाइक वाइक चढ़ाते हैं ऊपर, खड़ी करते हैं, अजानें हो रही है, नमाज का भी टाइम हो रहा है, आ जाओ अमर भाई।